बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट स्टडी टाइम में खुश आमदीद है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है, वो है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। क्योंकि अगर एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो उसके डाटे को हम किस तरह ऑर्गेनाइज करके किस तरह उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह हम उसको एक जगह जमा करके उसको आगे एनालाइज करके हम अपना रिजल्ट बना सकते हैं। सबसे पहले डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा हमारे पास किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मे बी वो नेम्स की फॉर्म में हो, नंबर्स की फॉर्म में हो, अल्फाबेट्स की फॉर्म में हो, स्टैटिकल, कोई भी स्टैटिकल या अल्फाबेटिकल फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में डाटा हो सकता है हमारे पास। अब डाटा को पहले ऑर्गेनाइज करना, डाटा को एक जगह जमा करना, उसको सही से जमा करके हमारे लिए ही फ़ायदेमंद होगा कि अगर वो हमारे पास ऑर्गेनाइज फॉर्म में मौजूद होगा तो हम इजीली एनालिसिस कर सकेंगे। डाटा को पहले हमने जमा करना है किसी भी फॉर्म में, उसके बाद हमने उसको ऑर्गेनाइज करना है, वो किसी भी फॉर्म में जिसमें हमें रिक्वायर है हम उस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें रिक्वायर है टेबल्स की फॉर्म में, तो हम टेबल्स की फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। फ्लो डायग्राम की फॉर्म में रिक्वायर्ड है तो हम फ्लो डायग्राम की फॉर्म में इजीली, जब हमारे पास ऑर्गेनाइज फॉर्म में मौजूद होगा तो हम उसको किसी भी फॉर्म में ले आएंगे। ग्राफिकल फॉर्म में हमने उसे करना है तो ग्राफिकल फॉर्म में उसको ऑर्गेनाइज करके हम अपने डाटा एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट शो कर सकते हैं। पहले बात हो गई डाटा ऑर्गेनाइजेशन की, अब हम बात करेंगे डाटा को ऑर्गेनाइज करके उसको जमा करके उसको एनालाइज किस तरह किया जाता है, डाटे को ऑर्गेनाइज करके उसका हम तज्जिया किस तरह कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। अब उसके लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायर्ड है हम वो डिस्कस करेंगे। उसमें डाटा एनालिसिस में हम स्टैटिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं, स्टैटिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को यूज़ करके अपने डाटे का एक्सपेरिमेंट का या अपने डाटा ऑर्गेनाइज डाटे को आगे प्रोसीड करते हैं। अब इसमें हम दो तरह की स्टैटिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं, वो एक है रेशियो और दूसरा है प्रोपोर्शन। रेशियो में हम पहले हम बात कर लेते हैं रेशियो की। रेशो में हम टू डिफरेंट वैल्यूज़ के दरमियान रिलेशन शो करते हैं, टू डिफरेंट वैल्यूज़ के दरमियान रिलेशन शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अब दो वैल्यूज़ हैं ए एंड बी, ए एंड बी को हम शो करने के लिए टू डॉटेड सिंबल से शो करेंगे, ये हम इसे रेशो का नाम देते हैं। इसको हम दूसरी फॉर्म में ए ओवर बी यानी ए डिवाइडेड बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसमें यहाँ हम कॉलन का मार्क भी दे सकते हैं। रेशो की एग्जांपल में हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 50 मलेरियल पेशेंट हैं और 150 हमारे पास हेल्दी पर्सन हैं। अब इसका हम रेशो किस तरह निकाल सकते हैं, 50 हमारे पास नॉर्मल वैल्यू है, अगर हम 150 को देखें तो वो 3 गुना ज़्यादा है इससे, तो हम रेशो इस तरह भी लिख सकते हैं 1:3 कि हमारे पास मलेरियल पेशेंट का रेशो 1% है और एज़ कम्पेयर टू हेल्दी पर्सन 3 गुना ज़्यादा है। तो ये हो गया रेशो। अब हम बात करेंगे प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन दो इक्वल रेशोज, एक रेशो की दो वैल्यूज़ और उनके दरमियान रिलेशन को शो करता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन दो इक्वल रेशोज़ को आपस में ज्वाइन करता है। इसमें हम साइन यूज़ करते हैं डबल कॉलन का या इक्वल का। अब हम इसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अब हम प्रोपोर्शन की एग्जांपल की बात कर लेते हैं। हम बुक की ही एग्जांपल यूज़ करते हैं जो हमारी बुक में मौजूद है। अ बायोलॉजिस्ट कैन कैलकुलेट हाउ मैनी बर्ड्स कैन गेट मलेरिया When allowed to infected mosquito to bite 100 healthy persons, एक बायोलॉजिस्ट ने बर्ड्स 100 हेल्दी स्पैरोज ली और उसको अलाउ करवाया कि उनको इन्फेक्टेड मॉस्कीटो बाइट करे, कि जिसको जिस जो मॉस्कीटो मलेरिया कॉज करता है वो इनको बाइट करे। फिर इन द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स ही नोटेड डैट वैन ही अलाउड द मॉस्कीटोज टू बाइट 20 स्पैरोज आउट ऑफ 14 आउट ऑफ गॉट मलेरिया, और इसने अपने पिछले एक्सपेरिमेंट्स में
20 स्पैरोज को बाइट करवाया था जिसमें से 14 को मलेरिया हो गया था। अब हमने डिस्कस करना है कि इसमें से 100, अगर वो 100 को बाइट करवा रहा है तो कितनी जो है स्पैरोज इन्फेक्टेड हो रही हैं। पास है पहला एक्सपेरिमेंट उसने किया था, उसने उसमें 20 स्पैरोज ली थी और 14 को मलेरिया हुआ था। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट रेशो। अब हम सेकेंड रेशो लिख लेते हैं। सेकेंड रेशो में उसने हमें कहा है कि 100 हेल्दी स्पैरोज को उसने बाइट करवाया है और हमें नहीं पता आप के कितनी स्पैरोज में इन्फेक्शन हुआ है या कितनी स्पैरोज इन्फेक्टेड हुई हैं, तो हम उसकी जगह लगा देंगे एक्स क्योंकि हमें इसके बारे में नहीं मालूम। अब हम क्यों, चूँकि हमें पता है कि प्रोपोर्शन दो रेशोज के दरमियान रिलेशन शो करता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट रेशो इक्वल टू सेकेंड रेशो विच इज इक्वल टू प्रोपोर्शन। अब हम इन वैल्यूज को इसमें लिख लेंगे, 20:14 इक्वल टू 100 रेशो एक्स। अब हमने निकालना है कि कितनी 100 में से एक्स की वैल्यू हमने इसमें से निकालनी, फाइंड आउट करनी है, तो हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो ये हो जाएगा 20x इक्वल टू 20x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चूंकि हमने पहले भी बात की थी कि रेशियो को हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम इन दोनों रेशियोज को डिवाइड की फॉर्म में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 20/14 इक्वल टू 100/x। इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे, x को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 को 14 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 20x इक्वल टू 100/14। चूंकि यहाँ पे x और 20 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम x को अगर चूंकि x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 20 से, अगर हम उसको दूसरी साइड इक्वल की साइड लेके जाएंगे तो वो वहाँ जाके डिवाइड करेगा। सो हम इसको कर लेंगे x इक्वल टू 100/20/14। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, अगर हम इसको कैलकुलेट करें 20 1 20 एंड 20 5 100, 5 × 14, 5 × 14 करवाएं तो हमारे पास आएगा आंसर 17। सो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 17। हमारे पास प्रोपोर्शन की ये वैल्यू आ गई 70। अब हम इसकी बेस पे हम रिजल्ट दे सकते हैं। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि 100 में से 70 स्पैरोज आर इन्फेक्टेड बाय मलेरिया। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, डाटा एनालिसिस और डाटा ऑर्गेनाइजेशन का, किस तरह डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है और डाटा को एनालाइज किया जाता है। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब इसके रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइजेस आप स्टूडेंट्स आप इनको सॉल्व करें, उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।